हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों को व्याकरण का डिक्टेशन परिभाषा यानी कि डिफिनेशन बताने के लिए जा रहा हूँ। ये है हमारा व्याकरण, हेडिंग लिखा हुआ है, नीचे से लिखना। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी सहायता से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना हो बोलना सीखता तो हमारे व्याकरण का परिभाषा हो गया। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी सहायता से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना या लिखना और बोलना सीखता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। अब भाषा जो है बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, बहुत सारे भाषा तो बोलने के लिए हर कोई जानता है। और भाषा बोलने के लिए इंसान अपने परिवेश से सीखता है, मनुष्य। जैसे बच्चा अगर किसी घर में जन्म लिया, जन्म लेने के कुछ दिन बाद जब वो बच्चा होश संभालता है तो अपने गार्जियन को देख करके, पेरेंट्स को देख करके, अपने परिवेश को देख करके वो भाषा बोलने के लिए सीखता है। जिसका जो ऐसा परिवेश हो वह उस तरीके का भाषा बोलने के लिए सीखता है। अगर वो बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है तो फिर धीरे धीरे वो हिंदी बोलने के लिए सीखता है। तो भाषा जो है ये व्याकरण सिखाता नहीं है, ये बात सत्य है। भाषा को कभी भी व्याकरण सिखाता नहीं है। मान के चलिए अगर आपको बुक पढ़ने ही नहीं आता तो व्याकरण आप कैसे पढ़ पाइएगा? व्याकरण आपको सिखा देगा भाषा पढ़ने नहीं। तो भाषा का जो सीखने की कला होती है वो होता है अभ्यास। परिवेश में रहते रहते आप भाषा बोलने के लिए सीख गए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, बुक किताब से अभ्यास करते करते आप किताब पढ़ने के लिए सीख गए। पढ़ने के लिए तो सीख गए, लेकिन आपको अगर कोई कोई वर्ड लिखने दे दिया जाए, शब्द लिखने दे दिया जाए तो आप गलत लिख दीजिएगा, वो भी चीज अभ्यास से नहीं होता है, ना कि आप व्याकरण उसका हर ढूंढेगा कभी। वो आप बुक में जो भी है आपकी किताब में, जैसे कठिन शब्द, हम लोग के टीचर कठिन शब्द लिखा देते, उस कठिन शब्द में जो भी आपको लगता है बहुत ही जटिल शब्द है उसको आप घेर दीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आप शुद्ध शुद्ध शब्द लिखने के लिए सीख जाइएगा। तो अभ्यास से भाषा सिखा जा सकता है, लेकिन व्याकरण क्या करता है, भाषा में शुद्धता लाता है। शुद्धता यही लाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन प्रत्यय है, कौन उपसर्ग है, कौन समास है, कौन संधि है, ये चीज की जानकारी व्याकरण से मिलती है। और व्याकरण भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और
पढ़ने सिखा दिया जाता है, ना कि व्याकरण भाषा सिखाता है। तो व्याकरण शास्त्र को कहते हैं जिसकी सहायता से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। जैसे निज जोर आशा, निज जोर चल, निज जोर चल, ये हो जाता है आपका निश्चय। एक संधि विच्छेद है, विसर्ग संधि है, ये व्याकरण में दिया गया है संधि, तो संधि के मेल से ये निश्चल बन गया। व्याकरण में बहुत सारे ऐसे चीज है, व्याकरण के एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और व्याकरण पढ़ने से जो है भाषा में शुद्धता आती है। और भाषा हम आप अपने अभ्यास से सीखते हैं, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो। इंग्लिश में भी आप सिर्फ ग्रामर पढ़ लीजिएगा, आपको इंग्लिश आ जाएगा नहीं, और आपको इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आता हो तो आप ग्रामर क्या पढ़िए। तो इंग्लिश में भी पहले आप सेंटेंस को बनाने के लिए सीखिए, वर्ड को याद कीजिए, और फिर किताब को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ग्रामर पढ़िए। तो आप लोगों ने समझ गए, आप लोगों ने समझे होंगे मेरे बातों को। और इधर सरस्वती पूजा के कारण बस मैं कुछ एजुकेशनल वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा सरस्वती पूजा का, तो हम भी व्यस्त थे। इस सरस्वती पूजा में एक चीज देखने को मिला है, नहा करके धो करके नए नए कपड़े पहन करके हम लोग आरती करते हैं, वंदना करते हैं, भजन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर भी हम लोगों को संस्कार नहीं आता है। सरस्वती जी क्या करती है कि अपना बाल को जो है पूरा जुल्फी कटाओ, लोफर वाला जींस पहनो, लोफर वाला जूता पहनो, ये वो करो, नहीं। अगर हम वंदना भी और प्रार्थना आरती भजन ये सब अगर तन मन धन से करते हैं तो हमें अपने संस्कार को भी तन मन धन से सुधारना होगा। लेकिन अपने अंदर देखने के बजाय हम ऊपरी भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति भी जरूरी है लेकिन अपने अंदर को भी ठीक करना जरूरी है। तो इन चीजों का अभाव दिख रहा है आज के जमाने में। अगर आप लोगों को ये बात बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।